हमारे ग्रंथों में उसको भक्ति से जोड़ा, ये भक्ति है। भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति क्या है? भगवान का बन जाना, वही तो भक्ति है। हम पता नहीं दुनिया में किस किस के बन जाते हैं। सबके बनने में कोई 10 मिनट के लिए स्टेशन पर मिल गया उसके बन गए, एयरपोर्ट पर मिल गया उसके बन गए, नंबर ले लिया नंबर दे दिया, रात रात भर सोते नहीं, हाल ही बन जाते हैं उनके। है जैसे परमात्मा ने, जैसे ईश्वर ने भैया सब कुछ दिया है, एयरपोर्ट पर पहुंचे उसकी कृपा से, मोबाइल उसकी कृपा से, खाना पीना उसकी कृपा से, जो सामने वाला मिल रहा है वो भी उसी की कृपा से, जो सर्व प्रकार से कृपा बरसा रहा है उसके बिल्कुल नहीं बन पाते भैया। दिखावा दूर हो, दंभ दिखावा दूर हो, शील स्वभाव बनाइए, सत्कर्म में श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए और अपनी सज्जनता को मन छोड़िए। छठवां सूत्र प्रभु राम ने मां सबरी के सम्मुख बताया, ऐसे लोग भगवत यात्रा को पूरा कर लेते हैं, परमात्मा के चरणों में पहुंच जाते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम नित्य अर्चन। तुलसी की पूजा करने से कुंटलों कुंटलों स्वर्ण दान का पुण्य मिलता है। महादेव के ऊपर बिलपत्र चढ़ाएंगे, स्तुति करेंगे, वंदन प्रणाम करेंगे, ये सब चीजें निरर्थक नहीं जाती हैं। अर्चनम, ये अर्चन हमें बहुत कुछ प्रदान कर देते। नंद बाबा और माता यशोदा ने महाकाल भगवान का अर्चन करते करते वो प्राप्त कर लिया। वो जैन में महाकाल की पिंडी में से आवाज आ रही थी, कहा था नंद को कि तुम दोनों दाम्पत्य अपने घर के लिए लौट जाइए, हम तुम्हारे ऊपर अति प्रसन्न हैं, तीन लोक का नाथ परमात्मा तुम्हारा बेटा बन करके आएगा। ये महाकाल के मंदिर में से शिव पुराण में कथा थी।